दोस्तों, इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे सर्च बार पे आपको कंट्रोल पैनल लिख करके और सर्च करना है। अब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाकर के क्लिक करना है। इतना करने के बाद में दोस्तों नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाकर के क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज अडेप्टर सेटिंग पे जाना है। अब आपको आपके सिस्टम में जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे वो सारे नेटवर्क यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको चले जाना है उस वाले नेटवर्क पे जहाँ पे आपका सिस्टम कनेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर लेना है और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शंस पे जाना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन 4 पे जा कर के और सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहां से इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शंस को क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहां पे देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर है वो सेलेक्ट है। आपको सेकेंड वाले ऑप्शंस पे आकर के और क्लिक कर देना है और इसे मैन्युअली सेट कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है 8.8.8.8, ये फर्स्ट वाले लाइन पे 8.8 लिख देंगे चार बार। इसके बाद फिर से सेकेंड वाले लाइन पे 8.8 दो बार और 4.4 दो बार। इतना लिखने के बाद वैलिडेट सेटिंग अपॉन एग्जिट पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे कुछ देर आपको वेट कर लेना है। जब ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाए तो यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए और किसी भी वेबसाइट को ओपन कीजिए। आपको ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा।